हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स, तो बताइए कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, मैं हूँ बिल्कुल ठीक और आई होप आप सब लोग भी अपने अपने घरों पे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, देखिए कोरोना का कहर अभी चल रहा है, इतना ज़्यादा तो नहीं है बट फिर भी अभी चला हुआ है। तो आप लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ रहिए, जो SOP है उसका पूरा फॉलो करिए आप लोग, और बाहर निकलते हैं तो मास्क और सैनिटाइजर साथ लेके निकलिए। और फ्रेंड्स, देखिए आज मैं हूँ अभी शॉप पे और मेरे हस्बैंड गए हैं कहीं काम से। तो एक्चुअली ना, मेरे जो ननद है उनके ससुर की डेथ हुई है तो वो वहाँ पे बैठने गए हैं और मुझे भी जाना था बट मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी तो इस वजह से मैं नहीं जा पाई। तो अभी मैं बैठी हूँ शॉप पे और मेरे हस्बैंड चले गए हैं, तो मैं आज का ब्लॉग शूट करूँगी। तो देखिए, मैं अभी आई हूँ शॉप पे और अब सबसे पहले तो मैं अपने पार्लर की सेटिंग कर लेती हूँ क्योंकि आजकल शादियों का सीजन चला हुआ है। फ्रेंड्स, चलिए मैं कर लेती हूँ अपने पार्लर की सफाई सबसे पहले। एक्चुअली मेरे पार्लर में ना कम स्पेस है और छोटे से स्पेस में मैंने अपना पार्लर खोल रखा है। जब फेशियल के बाद स्टीम लेते हैं ना तो ये शीशे पे स्टीम सारी जम जाती है, साफ करना पड़ता है। मेरे पार्लर में ना स्पेस बहुत ज़्यादा कम है और मैं सोच रही थी कि इसको थोड़ा सा सेटिंग करवाऊंगी और थोड़ा सा स्पेस बढ़वाऊंगी इसमें। तो ये पूरी प्लाई आगे की निकाल के ना, आगे का पूरा मिरर निकाल के और फिर इसको थोड़ा सा आगे करना पड़ेगा, तो बजट बहुत ज़्यादा बन जाता है। और आजकल बजट की बहुत दिक्कत है क्योंकि एक तो यार कोरोना ने ना इतना परेशान कर दिया है, जैसे ही थोड़ा ठीक काम चलने लगता है शॉप पे वैसे ही एकदम से फिर लॉकडाउन का सिचुएशन बन जाती है और बस उसी की वजह से सारा बजट बिगड़ जाता है फिर। तो अभी भी देखिए कोरोना का थोड़ा थोड़ा चल ही रहा है साथ में, तो कभी बंद है, कभी खुला है, कभी कुछ है, तो फिर वो बजट नहीं बन पाता। तो अभी इसी स्पेस में गुजारा कर रही हूँ मैं, जैसे ही बजट बनेगा तो मैं ज़रूर यहाँ पे थोड़ा सा रेनोवेट करवाऊँगी और थोड़ा सा अपना स्पेस ज़्यादा करूँगी। वैसे तो मैंने इस स्पेस में भी बहुत अच्छे से सेटिंग कर रखी है, देखिए मेरा वॉश बेसिन भी लगा हुआ है, बट थोड़ी सी ये दिक्कत आती है कि जब कस्टमर ज़्यादा आ जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा स्पेस बढ़ा दूँ इसमें, बट अभी बजट बनेगा तभी कर पाऊँगी। और बाकी तो सारी सेटिंग अच्छे से है बट पानी की दिक्कत है। देखिए फ्रेंड्स, मेरी हाइट इतनी छोटी है, मैं चेयर तक आराम से पहुंच नहीं पाती हूँ, तो इसलिए मैंने ये स्टूल रखा है, इसके ऊपर चढ़ के मुझे थ्रेडिंग करनी पड़ती है, ये है छोटी हाइट की प्रॉब्लम। ये देखिए ये स्टूल रखा है और इसके ऊपर चढ़ के फिर मैं थ्रेडिंग कर पाती हूँ इस तरह से, तब मैं ऊपर तक पहुँचती हूँ चेयर तक। एक्चुअली ना मेरी हाइट छोटी नहीं है बट ये चेयर की हाइट बहुत ज़्यादा है, ये पुरानी चेयर है ना तो इसलिए ये इसका पुराना स्टाइल है। और इसमें जैसे आजकल नई चेयर आई है ना तो उसमें ऊपर नीचे करने के लिए होता है, तो वो छोटी भी हो जाती है और बड़ी भी हो जाती है, तो इसमें वो चीज़ नहीं है, तो इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है इसलिए मेरे को स्टूल रखना पड़ता है। वैसे मेरी हाइट इतनी छोटी नहीं है यार। फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर मैंने सामान रखा है और ये जो सामान रखने के लिए रैक बनाए हैं इसके लिए कोई मिस्त्री की ज़रूरत नहीं है, ये मेरे हस्बैंड ने खुद बनाया है और बहुत अच्छे मिस्त्री हैं, वो भी मिस्त्री तो नहीं है बट बहुत अच्छा काम करते हैं और उन्होंने खुद ही ये रैक बनाए हैं सारे। ये देखिए सारा जो भी मैंने सामान रखा है नीचे से लेकर ये पूरा, सिर्फ ये जो मिरर लगा रखा है सामने का फ्रंट का जो ये मिरर है
ये मिस्त्री ने लगवाया था, और बाकी जो भी रैक बनाए हैं वो मेरे हस्बैंड ने खुद बनाए हैं। ये देखिए यहाँ पे भी मैंने ये सामान रखा है, ये सारे रैक भी मेरे हस्बैंड ने बनाए हैं, और बहुत अच्छा काम करते हैं वो। अगर करने पे आ जाए, अगर उनका मूड हो तो बहुत अच्छा काम कर लेते हैं। तो मैंने झाड़ू लगा दिया फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स पूजा तो मेरे हस्बैंड ने सुबह कर दी है, वो सुबह ही दुकान खोलते हैं तो सबसे पहले झाड़ू लगाते हैं और फिर पूजा करते हैं दुकान में। बट मैं अभी अगरबत्ती लगा देती हूँ, थोड़ा सा अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। ये तो जली नहीं यार। देखिए सफाई मैंने कर ली है, और अब बैठते हैं दुकान में। और यहाँ पे ना दुकान में बहुत ज़्यादा ठंड है, और दरवाज़ा थोड़ा बंद रहता है ना, तो इसलिए थोड़ा हवा नहीं आती ज़्यादा। बट अगर दरवाज़ा खुला रहे तो इतनी हवा आती है बाहर से, और यहाँ पे धूप बिल्कुल नहीं लगती आजकल। गर्मियों के लिए तो बहुत अच्छा है, गर्मियों में यहाँ पर बिल्कुल भी गर्मी नहीं होती, यहाँ पर मन करता है बैठने का। लेकिन आजकल तो यहाँ बैठ नहीं सकते, बहुत ज़्यादा ठंड है। अभी देखूंगी, मैं भी थोड़ी देर बैठूंगी, अगर मेरे हस्बैंड जल्दी नहीं आए तो मैं थोड़ी देर धूप में चली जाऊंगी। फ्रेंड्स आजकल ना मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और थ्रेडिंग करने में भी बहुत दिक्कत आ रही है। वैसे तो चश्मा मेरा डबल लगा हुआ है, ये दूर वाला है और नज़दीक वाला दूसरा है थ्रेडिंग करने के लिए, बट उसमें भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मुझे चेंज करवाना पड़ेगा। शायद उसका नंबर बढ़ चुका है और इसका भी काफ़ी नंबर बढ़ गया है, तो मुझे जाना पड़ेगा। बट आजकल थोड़ा बिजी है अभी, तो जैसे ही थोड़ा फ्री होंगी वैसे ही मैं सबसे पहले आइज़ चेक करवाऊंगी, क्योंकि आप लोगों को पता है आइज़ के बगैर तो लाइफ कुछ भी नहीं है। अगर हमारी आंखें ना हो तो हम क्या कर पाएंगे, कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे, कुछ भी देख नहीं पाएंगे। तो आंखें सबसे ज़रूरी है फ्रेंड्स, और आंखों में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है मुझे।
और इस वजह से मैं ज़्यादा ब्लॉग भी, जब मैं वीडियो एडिट करने भी बैठती हूँ तो मेरी आंखों में दर्द हो जाती है और मैं वीडियो एडिट ही नहीं कर पाती हूँ, और इसी वजह से ब्लॉग में भी थोड़ा लेट हो रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो इतनी ही थी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। और बस आज के लिए इतना ही, अब फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी, राधे राधे।